नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार रुड़की हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि रुड़की में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर पार्टी अपना अपना प्रचार पूरे जोरों से और धुआंधार प्रचार कर रही है। आइए इसी सीरीज में बात करते हैं देशराज कर्णवाल से, जो झबरेड़ा विधायक हैं, कि उनका क्या मानना है चुनाव को लेकर, क्योंकि उनका थोड़ा क्षेत्र नगर निगम रुड़की में भी है और ये किंग मेकर भी रहेंगे चुनाव के। इनका क्या मानना है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ये चुनाव जीत रही है जी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस और बसपा के पास इतने वोट भी नहीं है, तो इसलिए चुनाव एक तरफा है। जो मेरा नया क्षेत्र जुड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, तो वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। 10 साल तक जो नया क्षेत्र जुड़ा है उस पर टैक्स माफ़ कर दिया है, टैक्स नहीं लगेगा, उन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा, नए नए आयाम विकास के क्षेत्र में वो क्षेत्र में होंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी। ये रुड़की नगर निगम ये एक मॉडल के रूप में मयंक गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे पार्षदों के नेतृत्व में और माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी और मैं, क्योंकि हम पदेन सदस्य हैं उस बोर्ड के, हम इसको संवारेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है रुड़की के मतदाताओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर और 20,000 तक ये हमारी जीत जाएगी, और ये सबको दिख जाएगा। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन है, हम भाजपा वहाँ पर कमज़ोर होगी, कान थक गए हमारे सुनते सुनते, लेकिन जिस तरह से सपा और बसपा के गठबंधन को नेस्तनाबूद करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, तो इसलिए यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये जो तानाशाह पहले जो अपने मेयर रहे हैं, जो तानाशाह थे, और उन्होंने इस नगर निगम की प्रॉपर्टी को हड़पा है, वो अयोग्य ठहराए गए, लेकिन क्योंकि परिवारवाद है इस कांग्रेस पार्टी में, वंशवाद है, उनका नहीं तो उनकी वाइफ का, फिर उनकी वाइफ का भी नहीं तो उनके भाई का, तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस मुक्त हमारा उत्तराखंड है और ये कांग्रेस मुक्त ही रहेगा। भारत कांग्रेस मुक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है और बन चुका है। इसलिए जहाँ तक और बसपा का सवाल है, पूर्व सांसद रहे हैं, वो मेरे सामने चुनाव भी लड़े MLA का, जमानत भी नहीं बचा पाए, और उसमें उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी को आज हराने के लिए जगह जगह जो है उनको वोट काटने का काम किया जा रहा है। विधायक जी, आपने सर्वाधिक मुद्दे उठाए हैं अपने क्षेत्र के, लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र जो रुड़की में जुड़ा है उसमें ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ से बहुत समस्याएं भी निकल रही हैं, उस समस्या का समाधान क्या होगा? देखिए, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, इतनी घोषणाएं करके गए लेवर चौक से सलेमपुर आगे क्रॉस हो गया, मतलबपुर से औद्योगिक क्षेत्र में होता हुआ वो उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, नालों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, और जो नाला नया निर्माण होगा उसकी घोषणा कर दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कृष्णा नगर में पार्क होगा उसकी घोषणा कर दी, और नगर निगम में अभी जो 80 सड़कों का लोकार्पण हुआ उसमें 47 सड़कें मेरे क्षेत्र की हैं। ये मेरा सौभाग्य है, माननीय मदन कौशिक जी के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने मेरे क्षेत्र को, क्योंकि अतिथि देव भव के आधार पर हमारी संस्कृति है और सरकार हमारी उसी पर काम कर रही है, जो हमारा नया क्षेत्र जुड़ेगा वो फले फूलेगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी मयंक गुप्ता जी हैं, उनके बारे में क्या कहना है कि किस तरफ चुनाव जा रहा है, उन्हें जन समर्थन मिल रहा है नहीं? देखिए, मयंक गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के एक देवतुल्य कार्यकर्ता है, और बचपन बाल्यकाल से लेकर के और आज तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है, उनका परिवार हमेशा समाज की सेवा करता है, तो उस देवतुल्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान
वाली पार्टी है और मेन गुप्ता जी एक होनहार नॉलेजफुल उम्मीदवार हैं। और देख लीजिए, और उम्मीदवार ऐसे नहीं हैं, उन्होंने जो अपनी घोषणा की है आदरणीय मयंक जी ने, वो घोषणा अपने आप में रुड़की को पूरे देश में अपना अलग स्थान दिलाएगी और ये रुड़की नगर निगम उनके नेतृत्व में फलेगा फूलेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या होगी रुड़की नगर का कर्मचारी समस्या का समाधान के लिए वो घर आएगा, घर बैठे समाधान होगा, उत्तराखंड का और रुड़की का सर्वांगीण विकास होगा, तमाम चीज़ें जो मेरे युवाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, मातृशक्ति के लिए, तमाम चीज़ों का उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा वो बधाई के पात्र हैं। और वो 100% जो है पार्षदों के साथ बहुमत के साथ वो चुनाव जीत करके अपने बोर्ड का गठन करेंगे, मैं और प्रदीप बत्रा जी उनका सहयोग करेंगे। ठीक, चलिए, हमारे साथ थे जबरेडा विधायक देशराज कंडवाल जी, जिन्होंने अपना विजन साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री ने उनके क्षेत्र के लिए 47 सड़कें और जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए घोषणाएं कर दी हैं और बीजेपी यहाँ से बहुमत से और भारी वोटों से जीतेगी। नितिन कुमार रुड़की हब से।